हेलो एवरीवन वेलकम टू क्वांट स्टडी दिस इज़ अभिषेक पंडोत्रा और मैं आपको अब आप जनरल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ प्रीवियसली मैंने आपको जे एंड के हिस्ट्री पे लेक्चर्स दिए थे जे एंड के हिस्ट्री अब हमारी कंप्लीट हो चुकी है ऑल कंप्लीट हो चुकी टोटली अब आप मैं आपको जनरल साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ इंडियन जोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है जे एंड के जोग्राफी कम्प्लीट हो चुकी है इंडियन हिस्ट्री चल रही है जे एंड के हिस्ट्री कम्पलीट हो चुकी है ऑलमोस्ट आपके जनरल साइंस के जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक्स थे वो कम्प्लीट होने वाले हैं अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है जनरल साइंस इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं ज्वाइन किया मैं चाहूंगा कि वो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट जितनी भी वीडियोस हमारी नहीं आती हैं वो आपको डायरेक्टली उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर रहे हैं टेलीग्राम पर हमारे क्विजिस होते रहते हैं और जितने भी लेक्चर्स होते हैं उनकी पी आपको टेलीग्राम के पे, पेज है जो हमारा क्वान स्टडी वहाँ पर मिल जाएंगी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए ज्वाइन किए हैं उन्होंने अभी तक कोई भी वीडियोस नहीं देखी है जनरल अवेयरनेस पे वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हमारे जेके एस क्लास फोर के एग्ज़ाम्स की सारी वीडियोस वहां पे देख सकते हैं लेट्स स्टार्ट द टूडेज टॉपिक जनरल साइंस जनरल साइंस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में फिजिक्स के अंदर हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ फिजिक्स जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होते हैं बेसिकली फिज़िक्स में दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं मेजरमेंट करने के लिए जैसे यूनिट्स बोल यूनिट्स कर जिनको हम यूनिट्स बोलते हैं तो पहली क्वांटिटी उनको उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज दिस इज आर द स्टैंडर्ड क्वांटिटीज जो क्या बनाती हैं जिनसे जितने भी यूनिट्स होते, है, होते हैं वो सारे कहाँ से डिराइव होते हैं फंडामेंटल कोंटिटटीज से फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है जैसे लेंथ हो गई मास हो गया टाइम हो गया थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर हो गया दीज आर ऑल द फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ और जो क्वान्टिटीज़ इन फंडामेंटल क्वान्टिटीज से डिराइव होती हैं उनको बोलते हैं हम डिराइव क्वान्टिटीज़ जितने भी बाकी यूनिट्स होते हैं जैसे न्यूटन हो गया या पास्कल हो गया दीज आर ऑल द डराइव क्वान्टिटीज़ और जो कम्बिनेशन है किस किस का फंडामेंटल का और डिराइव का उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स देर आर बेसिकली जो एट प्रजेंट है वह उसमें सेवन फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड की है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो एक्सेप्ट करता है कि कौन सी फंडामेंटल क्वान्टिटीटीज़ और कौन सी नहीं उसने अभी तक सेवन फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ को एक्सेप्ट करी है जिससे हर एक क्वान्टिटी जो हर एक यूनिट जो है उससे डिराइव होता है इसका मैंने एक आपके लिए टेबल बनाया है जिसके अंदर पहला ऊपर आएंगे फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरा नेम ऑफ द एस आई यूनिट और उसका सिंबल जो पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ लेंथ का एस आई यूनिट है मीटर लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं मीटर में जिसका एस आई यूनिट है और इसका सिंबल क्या है एस आई यूनिट का वो है एम इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम लिखिए कि वाट इज द लेंथ ऑफ दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप जब कुछ ऐसे पूछ लिए तो हम ऐसे बोलते थे हैं फोर मीटर टू मीटर तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं एम से सेकेंड फंडामेंटल क्वान्टिटी है मास मास को क्या एस यूनिट है किलोग्राम किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल क्या उसका के जी थर्ड फंडामेंटल क्वान्टिटी है टाइम टाइम का एस आई यूनिट क्या है सेकेंड और सेकेंड को किस सिंबल क्या है एस एस से हम इसको लिखते हैं फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पेयर से एम्पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं और एम्पेयर को किससे सिम्बलाइज करते हैं ए से थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं कैलविन में और कैलविन को किससे कि, सिंपल किस है के कैल्विन को किसके कैलविन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं के से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्वांटिटी क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम मोल से अमाउंट ऑफ सब्टानसिस मोल और मोल का सिंबल मोल ही है उसको हम एम नहीं लिख सकते शॉर्ट में कुछ और लुमिनस का क्या है लुमिनस जो फंडामेंटल क्वांटिटी उसका ऐसा यूनिट है कैंडेला और कैंडल का कैंडेला को हम सिम्बलाइज करते हैं सी से दीज आर द सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर एस आई यूनिट एंड देयर सिंबल दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पेपर में इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ ही जाएगा आराम से वो कुछ भी पूछ सकता है कि इस फंडामेंटल क्वांटिटी का ऐसा SI यूनिट क्या है और ये किसका ऐसा यूनिट है

पढ़ेंगे सबसे पहले आता है वेब लेंथ ऑफ लाइट जो तो लाइट की वेब लेंथ है उसको हम किस में मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में एंगस्ट्रॉम और एंगस्ट्रॉम किस किसके रिप्रेजेंट किया जाता है ए से ए उसके ऊपर डिग्री दिस इज द सिंपलाइज फॉर्म ऑफ एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर डिग्री नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज।, चार्ज को हम मेजर करते हैं फेरेडे में और फेरेडे को रिप्रेजेंट करते हैं हम एफ से मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक इंडक्शन को हम यूज करते हैं गॉज में और गॉज को रिप्रेजेंट करते हैं जी एस से जी कैपिटल एस स्मॉल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम में और ओम को सिम्बलाइज करते हैं दिस सिंबल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे उसके बाद आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल को इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं इसको हम मेजर करते हैं वोल्ट में और वोल्ट का सिंबल है वी उसके बाद आती है पावर पावर को हम मेजर करते हैं वॉट में और इसका सिंबल है W। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं वार में और इसका सिंबल भी क्या है वार ही है मैग्नेटिक फ्लक्स को हम मेजर करते हैं मैक्सवेल में और इसका सिंबल है एम एक्स इलेक्ट्रिक चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम में और कूलम का सिंबल है सी फोर्स को मेजर करते हैं हम न्यूटन में और इसका सिंबल है एन फोर्स को हम डाइन में भी मेजर कर सकते हैं डी वाई एन ई पर मोस्टली हम जो फोर्स को मेजर करते हैं वो करते हैं न्यूटन में एनर्जी को मेजर करते हैं हम जूल में और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जूल को जे से प्रेशर को हम मेजर करते हैं पास्कल में और पास्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ए से लुमिनस फ्लक्स को हम मेजर करते हैं किससे Lumen से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल एम से हमारे फिजिक्स में तीन टाइप्स की रेडिएशंस होती हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस आपने सुना होगा न्यूक्लियर रेडिएशन के बाद में वो कौन कौन सी होती हैं वो होते हैं उनमें होते हैं तीन टाइप्स की पार्टिकल्स जब तीन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हो जो अल्फा रेज बोल सकते हो और रेज़ कौन कौन सी होती है अल्फ़ा रेज होती है बीटा रेज होती है और गामा रेज होती है अल्फ़ा रेज कैरीज अल्फा पार्टिकल बीटा रेज कैरी बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रे कैरी गामा पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और उनमें सबसे कम एनर्जी होती है मीन्स की जो अल्फा रे होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये मीडियम एनर्जी होती है जो गामा पार्टिकल्स होते हैं ये न्यूट्रल चार्ज होते हैं न्यूट्रल का मीन्स इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता और ये सबसे ज़्यादा हाइएस्ट एनर्जी दिस इज गामा रे इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रे इन न्यूक्लियर रेडिएशन दिस इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन यहाँ से is, भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट है लाइट लाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स यहीं से हम स्टार्ट करते हैं वैसे तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में उसको तो हम जो साइंटिफिक है वो लिखते हैं टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट मीटर पर सेकेंड बट अप्रोक्सीमेटली इसको हम लिखते हैं थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड दिस इज द अप्रोसीमेट वैल्यू और यही आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है कि वट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो आपने लिखना थ्री इंटू टेन रेज टू पावर एट मीटर पर सेकेंड जो लाइट की जो स्पीड है वो सबसे फास्टेस्ट किसमें होती है वैक्यूम में उसके बाद आती है ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट हो गया जिसके आर पर हम हाँ, देख सकते हैं और जिसमें से लाइट ईजीली पास हो जाए वो कौन सा मीडियम होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम जहाँ पे हम हाँ, थोड़ी पार्शियली पास हो उसको हम हाँ बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम और जहाँ से बिल्कुल लाइट पास ना कर सकते उसको बोलते हैं ओपेक ओपेक होती है जहाँ से लाइट बिल्कुल पास नहीं कर सकते जैसे वुड का कोई मटेरियल हो गया वुड में से लाइट बिल्कुल ही नहीं पास कर सकती सो दिस इज़ ट्रांसलूसेंट हो गया जिसमें से थोड़ी लाइट पास कर सकती है और थोड़ी नहीं हो सकती है जैसे कोई फ्लूड हो गया दैट इज ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे वाटर हो गया दिस इज ट्रांसपेरेंट से इजीली पास कर सकती है इसके बाद बारे हम बनेंगे रेज के बारे में इंसिडेंट रे क्या होती है रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है डिफ्यूजन रे क्या होती है इंसिडेंट रे क्या होती है जब जब आ, कोई भी रे आ रही है लाइट की कोई भी किरणें आ रही है जब वो डायरेक्टली किसी सरफेस को टच करती हैं किसी सरफेस को टच करती हैं रिफ्लेक्ट नहीं हुई जो सिर्फ सरफेस को टच करी है उस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे और जो सरफेस को टच करके वापस जा रही हैं उनको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे और जो किसी सरफेस को टच करके उसके अंदर चली जाती हैं और वहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती है कि अपना पाथ चेंज करके बाहर किसी और डायरेक्शन में निकल जाती है उसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे जैसे जब कोई लाइट रे वाटर में पड़ती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और चेंज होकर जब वो स्ट्राइक करके वापस बाहर को निकलती है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है टोटली चेंज हो जाती है इसलिए उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्रैक्टेड रे होती है ये दो मीडियम में पास करती है एक मीडियम से एंटर करेगी और दूसरे मीडियम से बाहर को जाएगी और जो इंस ऑन द अदर हैंड जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे हैं ये सेम मीडियम में ट्रेवल करती है जिस मीडियम में ये इंसिडेंट होगी उसी मीडियम से ये रिफ्लेक्ट होगी ऑन द अदर हैंड जो रिफ्लेक्टेड रे होती है जो इट इज इंटर इन द वन मीडियम एंड गेट एक्सट्रैक्ट इन द अदर मीडियम रिफ्लेक्शन के ऊपर दो इंपॉर्टेंस लॉ भी है इंपॉर्टेंट लॉस वो कौन कौन से हैं जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि जहाँ पे रे स्ट्राइक कर रही है सरफेस के साथ वो एंगल मस्ट भी इक्वल होना चाहिए किसके साथ जहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज एंगल आई इक्व टू एंगल आर और आई क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल नॉर्मल हो गया जो पेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है उन दोनों पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पे वो तीनों जो रेज हैं वो सारी क्या होनी चाहिए तीनों एक प्लेन पे होनी चाहिए मीन्स एक मीडियम में होनी चाहिए कि अगर दोनों ए, तीनों रेज क्या होनी चाहिए एक मीडियम पे दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्या है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन सी होती है जब पैलर पैलर रेज आ रही है सपोज की तीन चार पैलर रेज आ रही हैं जब वो इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे और जब वो रिफ्लेक्ट होती है उस प्लेन सरफेस से वो क्या होती है जब रिफ्लेक्टेड होके पैरलरी नहीं जाती तो उनको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कि आ तो पैरलर रही हैं बट रिफ्लेक्शन होने के बाद वो पैरली मूव नहीं कर सकती सकते इंटरसेक्शन हो गई गया कुछ हो गया तो इसलिए हम उनको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इमेजेस कितनी टाइप्स की होती है दो टाइप्स की होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो स्क्रीन पे इमेज बनती है आपकी आंखों के सामने उसको बोलते हैं रियल इमेज और जो आपके स्क्रीन के पीछे बनती है उसको बोलते हैं वर्चुअल इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे दिस इज टूडेज टॉपिक लेट्स हैव ए क्यू रिविजन ऑन टूडेज लेक्चर वट इज द एस आई यूनिट ऑफ लूमिनस एस आई यूनिट ऑफ लूमिनस क्या है कैंडेला वट इज द एस आई यूनिट ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट वेव लेंथ ऑफ लाइट एस आई यूनिट क्या है दिस इज एंगस्ट्रॉम रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेटिव ए विद डिग्री वट इज दूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज पासकल वट इज दट इज द चार्ज ऑन गो पार्टिकल गोमो पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रल चार्ज विच पार्टिकल्स हैव लोएस्ट एनर्जी कौन से पार्टिकल की सबसे कम एनर्जी होती है वो होती है अल्फा पार्टिकल्स थैंक यू गाइज दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स ऑफ जेके एस एस बी क्लास फोर आई होप यू गाइज लाइक द टूडेज लेक्चर if you guys like the today's lecture please like it and share it so that maximum students can so that it help the maximum students thank you guys